दोस्तों, आपके सभी के तरफ से माननीय कुलपति जी का धन्यवाद देते हुए मैं मेरे साथी प्रोफेसर मधु परहार जी को आमंत्रित करता हूं। जो आपके सवाल हैं उनमें से बहुत सारे सवाल होंगे, जो मुख्य सवाल होंगे उनको सामने रखें सर के सामने और सर इसके जवाब देंगे। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस द ओवरऑल पिक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, 460 अभी तक संख्या दिख रही है यहाँ पे, पर कुछ प्रश्न हम जो है पूछा है टीचर्स हमारों ने पूछा है। सो एक प्रश्न पहले मैं शुरू करूंगी, एक टीचर ने अध्यापक ने पूछा है, इंस्टीट्यूशंस विच आर सिचुएटेड इन हिल एरियाज दे फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं दिस पॉलिसी। इसीलिए हम लोग तकनीकी की बात कर रहे हैं, चैनल्स की बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं और ब्लेंडेड मोड की बात इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस के लिए आज हमारे पास 40,000 महाविद्यालय हैं, 1,000 विश्वविद्यालय हैं, लगभग IITs भी लगभग हर क्षेत्र में खुल गए, हर प्रदेश में दो दो तीन तीन खुल गए हैं, IITs खुल गई हैं, IIMs खुल गए, और हमारा GER 27% है, हमें इसको 100% करना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रीच होने में निश्चित रूप से दिक्कत आएगी और उसकी लागत भी बहुत होगी। हम क्या इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं? टीवी चैनल्स का विस्तार हो रहा है और विस्तार होगा। आपको याद होगा आज से 20 साल पहले हमारे पास 2,000 चैनल ही होते थे, अब चैनल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इवन शैक्षिक जगत के 34 चैनल थे, अभी भी है, इसको 68 कर रहे हैं उच्च शिक्षा वाले, और 200 हम प्राइमरी और सेकेंडरी में कर रहे हैं। घर में बैठ के शिक्षा, इस हेतु लगातार प्रयास चल रहा है। और जो आप एक्सेस की बात कर रहे हैं, हम मातृभाषा में जब आप बात करने लगेंगे तो दूरी उरी सब खत्म हो जाएगी, आपकी भाषा में आप तक उच्च शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसलिए मैंने कहा एक्सेस एक शब्द वहां पर भी है, और गुणवत्ता पर शिक्षा देनी है, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स पर्सन जो आपके क्षेत्र में जा नहीं पाएगा वो चैनल के द्वारा उपलब्ध होगा। आप चैनल के समय नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, बाद में YouTube के द्वारा इसको सुन सकते हैं, और YouTube आपके मोबाइल पे भी उपलब्ध है। आप कहेंगे अभी एंड्रॉयड वाला नहीं मोबाइल, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा और उसकी लागत भी कम होती जाएगी, लेकिन हम लोगों को उस दिशा में जहां तक संभव हो प्रयास करना चाहिए। और इसमें टीवी तो लगभग खराब भी देख लेता है, टीवी नहीं तो रेडियो है, रेडियो के द्वारा भी लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है, रेडियो भी हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, जो प्राइमरी शिक्षा है उसके उसके जो अधिकांश बिंदु हैं वो रेडियो के द्वारा पहुंच रहे हैं। तो हम लोग के जो संसाधन हैं उन संसाधनों का हम बेहतर ढंग से उपयोग करें। एक प्रश्न है कि तकनीकी विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ये तो समयबद्ध है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि 34 चैनल्स थे, अब 68 हो रहे हैं, फिर 268 हो रहे हैं। अब आप सोचिए 268, अभी जुलाई या जनवरी से हमारे ख्याल से 200 चैनल भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो तकनीकी सुविधाएं आज से 10 साल पहले थी, अब उससे डबल तो हो ही गई, ट्रिपल हो गई हैं। 2016 में जो तकनीकी सुविधाएं थी वो बढ़ रही हैं। अभी कोरोना के कारण भी हम लोग को दिक्कत आई, लेकिन हम लोगों ने अपने शिक्षण को जारी रखा और जो भी उपलब्ध सुविधाएं थे उससे हम लोग फेसबुक से बात करते थे, चैनल्स नहीं हो पाए थे कोई बात नहीं, जूम से बात करते थे। तो कोशिश करेंगे हम लोग कहाँ से कैसे, व्हाट्सएप से बहुत चीज़ें आजकल शेयर होने लगी हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% इसी से होगा, ये पूरक रहेंगे, मुख्य तो हमारी शिक्षण व्यवस्था जैसे चल रही चलती रहेगी, और इसको हम पूरक जो अतिरिक्त ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए वर्तमान संसाधन उपलब्ध है। मैं बार बार वर्तमान संसाधन 3,000 पाठ्यक्रम 2016 से उपलब्ध हैं स्वयं में, 34-34 चैनल, इसके दर्शकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो इसमें से केवल 5 या 6 चैनल ही ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में जब पूछे जाते हैं, हम कई बार कई जगह पूछ चुके हैं, लोगों का मुझे मालूम नहीं स्वयं प्रभा के बारे में। अब स्वयं प्रभा के 34 चैनल सरकार ने उपलब्ध करा रखे हैं, हमें मालूम नहीं है। ज्ञान दर्शन के चैनल हैं, शैक्षिक चैनल हैं, DD के चैनल हैं, शैक्षिक चैनल हैं, हम बहुत से ऐसे चैनल से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये लगातार इसी गति से बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे
प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, विषय से बढ़ती जाएगी और विषय भी बढ़ते जाएंगे, विषयों को जोड़ने की प्रक्रिया भी बढ़ती जाएगी। जी सर, एक प्रश्न है, हाउ डज द इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? हमने इसका जिक्र भी अपने वक्तव्य में किया था। हमारे पास जो वेद है या जो ज्योतिष है या जो कालगणना है, ये सब ऐसे विषय हैं जिसमें हमारी महारत हासिल था और धीरे धीरे समय ने हमको पीछे छोड़ दिया और हम भूलते चले गए। आज आवश्यकता क्या है, आप देखिए कोई भी पंचांग के जो सैद्धांतिक जो ज्योतिष है, फलित की बात हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फलित में लोग बहुत जाते हैं, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक जो ज्योतिष है और जो नक्षत्र की बातें हैं, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब हमारे ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा से ही तो निकली हुई है और इस पर हम लोग लगातार बात करते रहते हैं। आप देखिए और प्राचीन ग्रंथों से कितनी कितनी बातें निकल रही, अब तो लगातार इस पर काम होने लगा, हमारी भाषाओं पर काम होने लगा है। भारतीय भाषाएं बहुत समृद्ध थी जो हमारी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही थी, आज उनको हम ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं और उसको जैसे हम जीवित करेंगे उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। और शायद हम कई बार जो पाश्चात्य शिक्षण व्यवस्था है जिसके कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं, हमारे जो भारतीय शिक्षण व्यवस्था है, जो भारतीय ज्ञान भंडार है, वो हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे देता है। हम देखें, समझें और उसको हम आगे बढ़ाएं और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कई नए विषयों में नेट शुरू हो गया है, कई भारतीय भाषाओं में नेट शुरू हो गया है। पहले भारतीय भाषाओं में कोई नेट होता ही नहीं, केवल अंग्रेजी में नेट होता, फिर हिंदी होना शुरू हो गया, अब कई भारतीय भाषाओं में नेट हो गया है। अभी मुझे पता लगा कि सिंधी में भी नेट है, तो तेलुगु में भी नेट है, तमिल में भी नेट है, तो कई भारतीय भाषाएं जिसमें हम उच्च स्तरीय शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ें, हमारे पास जो उपलब्ध है ज्ञान उसी को तो पढ़ना है, उसी को समझना है, उसी को प्रस्तुत करना है। अगर वो प्रस्तुतिकरण का तरीका भी हम लोग बेहतर करेंगे, और अधिकांश शोध संस्थाएं इस दिशा में लगी हुई हैं और बेहतर परिणाम दे भी रही हैं और आगे और बेहतर परिणाम देंगे। सर बहुत सारे प्रश्न है राष्ट्रीय क्रेडिट बैंक पे, तो मैं पढ़ देती हूँ ये वाला कि क्या राष्ट्रीय क्रेडिट बैंक में काम करना शुरू कर दिया है और क्या अलग अलग संस्थाओं में आपस में तालमेल बनाने की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। सो क्रेडिट बैंक से संबंधित बहुत प्रश्न है, उसके बारे में अगर आप। मैंने अभी बताया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं और उन रेगुलेशंस के तहत अभी पहली बार मई में ही UGC ने एक सर्कुलर जारी किया था और सभी संस्थानों को लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करा लें। तो प्रायः वही कहा ना कि जागरूकता नहीं होने के कारण बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पहले तो ये जो क्रेडिट बैंक के नियम बने थे केवल एक ग्रेड वाले संस्थानों के लिए थे, अब बाद में सबके लिए हो गए हैं। तो अभी हमने ये बात यहाँ जिक्र भी किया था कि 32 लाख लोग ने केवल 15 दिन के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। ये बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया है, तो ये बैंक अकाउंट खोलिए एकेडमिक बैंक, उसमें जो जो आप पढ़ते जाएंगे अपने आप, जैसे अब जो 32 लाख लोगों ने अपना अकाउंट खोल रखा है, ये जिन जिन विषयों को पास करते जाएंगे उनके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट होता जाएगा। तो ये जो पैसा, ये पैसे की तरह ही है कि आपने एक डिग्री पास किया वो ऑटोमेटिक वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है पहला स्टेप, और अधिकांश संस्थाएँ इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आप भी इसमें थोड़ा सा मदद करिए, जागरूक होइए और अपनी संस्था को बताइए कि अपनी संस्था में एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का पंजीयन कराना शुरू करें, और पंजीयन कराएंगे तभी क्रेडिट ट्रांसफर की बात आएगी। आप दूसरी संस्थाओं को भी ले, क्योंकि रिकॉर्ड आपका सेंट्रलाइज स्तर पर बना हुआ है और इस सेंट्रलाइज डाटाबेस के आधार पर पूरे देश में कहीं पर भी आपके इस क्रेडिट का ट्रांसफर हो सकता है, स्वयं में भी क्रेडिट का ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया था कि 2 या 3 साल पहले क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में रेगुलेशंस बने थे और क्रेडिट ट्रांसफर्स कैसे होंगे इसके बारे में बताया गया था। हर संस्थान ने अपने एकेडमिक काउंसिल से क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में नियम बना रखे हैं, आपने भी बना रखे होंगे, अगर बना भी रखे हैं लेकिन परिपालन नहीं हो रहा है तो परिपालन कराइए, स्वयं के कोर्सेज को क्रेडिट ट्रांसफर कराइए, ये जो दूसरी संस्थान से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके क्रेडिट को ट्रांसफर, जैसे इक्वलेंस कमेटी आप लोग क्या रहती थी, वही इक्वलेंस कमेटी की तरह क्रेडिट ट्रांसफर उसके द्वारा क्लियर करके अपने यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपके बैंक में 5 रुपए 10 रुपए
यानी एक कोर्स, दो कोर्स, तीन कोर्स, जो भी आप पढ़ेंगे, स्वयं से पढ़ेंगे तो, विश्वविद्यालय से पढ़ेंगे तो, वो सारे के सारे आपके बैंक अकाउंट में जमा होंगे। उसके अकाउंट खोलने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है। सर बहुत प्रश्न मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पर भी है। एक प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ, हाउ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट विल बेनिफिट ए स्टूडेंट इन गेटिंग ए डिग्री। अभी इसका जिक्र भी मैंने किया था। सामान्यतः बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो 6 साल के अंदर अपनी डिग्री पूरी कर ले अंडर ग्रेजुएट का, या 5 साल का है जो UGC के नियम है। आदमी ने 1 साल पढ़ लिया, 2 साल पढ़ लिया, उसके बाद किसी कारण से 3रा साल नहीं पढ़ पाया और 5 साल निकल गए, तो उसके 2 साल की मेहनत खत्म हो गई। कई बार क्या होता है, बच्चों को 1 साल बाद कोई नौकरी मिल जाती है, या पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो दूसरे साल तुरंत वो ज्वाइन कर सके। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में क्या है, उसका नाम काट देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, उससे राष्ट्र का भी नुकसान हो रहा है और उस बच्चे का भी नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि 1 साल बाद ठीक है आप चले जाओ, कोई बात नहीं, आपको हम एक सर्टिफिकेट दे दे रहे हैं, इस सर्टिफिकेट का अन्य स्थानों पर प्रयोग कर सकते हो, 2 साल कर लिया तो डिप्लोमा ले लो, और जो बाकी बचा हुआ है आप उसके बाद भी आप वापस आकर के कर सकते हो। जो बचा हुआ आपका क्रेडिट का पीरियड है उस पीरियड को उस समय से काउंट होगा, यानी 4 साल बाद, 5 साल बाद जब लौट के आएंगे तो हमें पुनः प्रवेश मिल जाएगा और हमारे पुराने क्रेडिट का भी हिसाब किताब रखा रहेगा। ये जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, एंट्री हम क्या करें, फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट दे दिया, फिर हम करें नहीं, सेकेंड ईयर के बाद एंट्री ले सकते हो, थर्ड ईयर के बाद भी एंट्री ले सकते हो, फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद भी एग्जिट है। इस तरह से PG में भी पहले साल पास के लिए कई लोग नौकरियां लग जाती है, फिर कहते हैं सेकेंड ईयर क्या करेंगे, छूट जाता है। तो यहाँ पर नहीं, कह रहे हैं कि नहीं आप पहले छूट, परेशान मत होइए, 2-3 साल बाद वापस आइए, उसको पूरा कर लीजिए, इस बीच में आप एक सर्टिफिकेट हमसे ले जाइए। तो ये सर्टिफिकेट निर्णय करने का काम तो हमारी एकेडमिक काउंसिल का है, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज का है, तो हम अपने स्तर पर इस निर्णय को लागू कर सकते, इसमें कहीं पर किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। तो ये तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के संबंध में है और इससे बच्चों को भी फायदा होगा, और जो शिक्षा में जो इनकम्प्लीट शिक्षा करके छोड़ रहे हैं वो इनकम्प्लीट शिक्षा नहीं रहेगी, वो कम्प्लीट उनकी शिक्षा हो जाएगी, और हमारा जो उच्च शिक्षा पर विनियोग है या हमारे बच्चों का जो समय इसमें लगा हुआ है वो समय का भी सदुपयोग होगा, राष्ट्र के हित में यही बेहतर होगा। बहुत प्रश्न है मल्टीडिसिप्लिनरी के ऊपर, तो एक प्रश्न है हाउ कैन वी प्रमोट दिस। हमने अभी बताया था कि 2 डिग्रियां देने की बात है, हम MA हिस्ट्री भी करना चाहते हैं और MA हिंदी भी करना चाहते हैं, प्रमोट हो गया, 2 डिग्री का भी UGC रेगुलेशन दे दिया है, हम उस पर आ जाए। हम MBA करना चाहते हैं और साथ में BCA करना चाहते हैं, तो दो डिफरेंट डिसिप्लिन से पहले नहीं कर सकते रहे, हम प्रमोट कर रहे हैं। एक तो पूरे पूरी डिग्री की बात हो गई। कोर्सेज की बात के लिए मैंने कहा कि स्वयं प्लेटफॉर्म में कोई भी कोर्स आप ले लीजिए, आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग का कोर्स ले सकते हैं, आप मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हैं, 1 कोर्स 2 कोर्स जो आप, और फिजिक्स का ले लीजिए उसको पढ़ लीजिए, तो आपके पास ये संसाधन पहले से उपलब्ध है, केवल आपको उसका उपयोग करना है। आपके पास अब माध्यम भी 3 हो गए हैं, पहले कन्वेंशनल, ODL और ऑनलाइन। पहले क्या था, हमारे पास सिर्फ कन्वेंशनल माध्यम ही रहता था और ODL के रेगुलेशंस 2017 में पहली बार बने, ऑनलाइन के रेगुलेशंस 2018 में पहली बार बने, और इन दोनों का संयुक्त रेगुलेशन 2020 में बना, यानी अब नियम है। और अभी शायद 3 या 4 दिन पहले ही UGC ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि परंपरागत जो डिग्रियां हैं और ODL और ऑनलाइन की जो डिग्रियां हैं दोनों समतुल्य मानी जाएंगी, यानी आपको ये घबराने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो जो डिग्री जो ODL या ऑनलाइन में जा रही है वो समतुल्य नहीं है, उसकी भी समतुल्यता इससे नापी जा सकती है। प्रश्न वोकेशनल एजुकेशन पे भी बहुत है, स्किल डेवलपमेंट पे भी, तो एक प्रश्न है वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो अवेलेबल नहीं है उनको कैसे अवेलेबल किया जा सकता है, खास तौर पे रिमोट एरियाज में। हमने यही बताया अभी, शायद उसका भी जिक्र मैंने थोड़ा सा किया था, 15,000 हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं और ITIs हैं जो अभी उनके स्किल्स की दक्षता का बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा है। हम उच्च शिक्षा के संस्थान उनसे जुड़े, हमने भी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी 1,000 शिक्षण संस्थानों से, पॉलिटेक्निक से और ITI से जुड़ने का प्रयास किया और हमें बेहतर परिणाम मिलने लगे।
हमें जहां कहीं भी किस, अच्छा 1000 मतलब वैरायटी है, एक ही तरह का स्किल नहीं है, वैरायटी ऑफ स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स भी हैं, सॉफ्ट स्किल्स तो हम अपने यहाँ बना सकते हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के लिए हमें इनके पास जाना पड़ेगा। तो जो भी स्किल्स इनके पास उपलब्ध हैं उन स्किल्स को हम अपने यहाँ देखें, और उनके बच्चों को अगर हम ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन में अपने यहाँ, तो निश्चित रूप से वो एम्प्लॉयबल अपने आप ही हो जाएंगे। तो दक्षता को कहीं ना कहीं हमें ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कर सोचते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ ज्ञान देगी, जबकि शिक्षा का मतलब है ज्ञान, दक्षता और मानवीय मूल्य, तीनों को समाहित करना है, तीनों को एक करना है। जब तक हम तीनों को एक करने की बात नहीं सोचेंगे, तब तक संपूर्ण शिक्षा नहीं होगी, होलिस्टिक एजुकेशन नहीं कहलाएगा, टोटल एजुकेशन नहीं कहलाएगा। और हमें जो भी शिक्षा देनी है, पूर्ण शिक्षा देनी है, संपूर्ण शिक्षा देनी है। इसलिए हमें हमेशा इस दिशा में सोचना पड़ेगा। और वोकेशंस के लिए आपका NSQC बना हुआ है, और NSDC नेशनल स्मॉल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी एक बना हुआ है। ये सारी संस्थाएं इसमें पूर्णतया इस कार्य में लगी हुई हैं, और प्रधानमंत्री के भी जो कौशल केंद्र हैं वो भी इस दिशा में काफ़ी मदद कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत है, हमें केवल उन तक पहुंचना है। हम अपने आप को आइलैंड्स के रूप में न वर्क करें, और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग करें। अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में काफ़ी सर्कुलर्स निकले हुए हैं, अप्रेंटिसशिप को भी उनके द्वारा जुड़ सकते हैं। संस्थाएं कई आगे बढ़ के आ गई हैं, जो इंडस्ट्री की हैं, जो ट्रेड की हैं, वो आपको अप्रेंटिसशिप देना चाहेंगे, उससे आपको दक्षता मिलेगी। और लगातार इस दिशा में प्रयास चल रहा है। AICT ने एक बहुत बड़ा बैंक इसके बारे में खोल रखा है, काफ़ी संस्थान उससे जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी शामिल होकर के दक्षता के और अप्रेंटिसशिप के जो अवसर हैं उनको अपने बच्चों को दिला सकते हैं। प्रश्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत है, पर एक प्रश्न पढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस इन द पॉलिसी टू मेक द स्टूडेंट्स मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली फॉर इट्स एग्जीक्यूशन? हम तो एक सिंपल सा यही बता रहे हैं कि अगर आप स्वयं में जुड़ जाए, निःशुल्क है शिक्षा, चैनल्स देखना शुरू कर दें, ये जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, आपके विषय से हट करके आप चैनल्स देखेंगे, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। भाई TV चैनल हम देख रहे हैं, साइट्रिक चैनल देख रहे हैं, इवन जो हम लोग इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए बच्चों को भेजते हैं बाहर, उसके भी चैनल 4 उपलब्ध हैं यहाँ पर, जिसमें IIT के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। यानी चैनल्स का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें बेहतर ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। कोर्स आधारित शिक्षण है, स्वयं प्लेटफॉर्म आपके पास उपलब्ध है। हम मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, इसमें आपके मोबाइल में, क्योंकि ये तो हमने कहा जिनके पास एंड्रॉयड, जिनके पास एंड्रॉयड नहीं तो हम सब ये चैनल का तो प्रयोग कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन भी होगा, अभी DISH TV में, बाकी JTV में भी आ जाएगा, दूरदर्शन के भी 2-3 चैनल, एजुकेशनल चैनल्स। हम शैक्षिक, अभी देखें इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि के जो चैनल्स हैं, इकोनॉमिक दृष्टि से तो बताते ही रहते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कहते हैं बेसिक जो डिसिप्लिनस है उनका प्रयोग। जैसे अभी हमने बताया था कि हम लोग जो अंडर ग्रेजुएट का पाठ्यक्रम है उसको हम विभिन्न भाषाओं में चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। आप उस समय उपलब्ध नहीं, कोई बात नहीं, बाद में उपलब्ध हो जाएगा, बाद में उपलब्ध नहीं कोई बात नहीं, हम YouTube के द्वारा आप तक पहुंचेंगे। परंपरागत ज्ञान में क्या है, अगर आप शिक्षक के साथ क्लास में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो मिस हो गया, मेन पॉइंट से रह जाएंगे। आपको बाद में रेफर करना होगा तो रेफर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो YouTube में सारी की सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, पुनः आप पढ़ सकते हैं, पुनः आप देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हैं। तो तकनीकी आपके पास इतनी आसान उपलब्ध है, और ये वीडियोज आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा तंत्र है जो आसानी से आपको डिजिटल शिक्षा की ओर जोड़ रहा है, और नहीं तो आप डायरेक्ट चैनल से देखिए, जूम इत्यादि जो बहुत से, फेसबुक है, फेसबुक से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो तकनीकी में धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, ट्विटर में बहुत से लोग जुड़ गए हैं, लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या तकनीकी ज्ञान से जुड़ने की बात हो, अधिकांश लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। कोविड ने कुछ लोग हम लोग को फोर्स किया, परिस्थितियों ने फोर्स किया, अदरवाइज हम लोग अपने आप भी थोड़ा थोड़ा प्रयास जो कर रहे थे, अब वो प्रयास ज्यादा तेज गति से हो रहा है। एक प्रश्न है, हाउ वी हैव टू रीच इंक्लूसिव एजुकेशन इन NEP? देखिए, हम एक्सेस इक्विटी दोनों की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि समाज के सभी वर्गों तक हम अपनी शिक्षा पहुंचाएं, इसीलिए कई बार हम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन की भी बात करते हैं, बहुत महंगी शिक्षा नहीं, इसीलिए जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अफोर्डेबल हो सके, महंगी ना हो, क्योंकि अगर अफोर्डेबल नहीं होगा तो इंक्लूसिव नहीं हो पाएगा। हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, कैसे पहुंचेंगे?
उनके लिए अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए। इसीलिए हर प्रकार की जो शिक्षा है हम अफोर्डेबल पहुंचाए, और चैनल्स के द्वारा सबसे अफोर्डेबल है। अपने पास घर में नहीं तो बगल में देख सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर में जाके देख सकते हैं। तो इससे बेहतर अफोर्डेबल एजुकेशन तकनीकी का प्रयोग करके कहीं और नहीं हो सकते। 100 लोग 200 लोग मिल करके एक टीवी खरीदे, उनकी कम्युनिटी ने खरीद के दिया या सरकार ने खरीद के दिया, उसमें आप चैनल्स को देख सकते हैं, उससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो समय बदल गया है। अब जो इंक्लूसिविटी वाली बात है वहां तक हम लोग बेहतर ढंग से पहुंच रहे हैं और अफोर्डेबल एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। सर प्रश्न तो हमारे पास बहुत है, पर समय के अभाव के कारण एक आखिरी प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस एनईपी? हमारी दृष्टि में कोई चुनौती नहीं है, केवल हम छोटी छोटी बातों को पकड़े। इनोवेशन में क्या करना है आपको? केवल कल्पना शक्ति प्रमोट करना है। डिजिटल एजुकेशन में आपको क्या करना है? स्वयं कोर्सेज की बात करनी है, चैनल्स देखना है। मल्टी डिसिप्लिन में आपको क्या करना है? एक और डिग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब में कहां दिक्कत आ रही है? लगभग इनोवेशन की बात है, इंटरनेशनलाइजेशन की बात है, जहां हम जा सकते जाएंगे। हमने अभी विदेशों में हिंदी को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है, आसानी से इंटरनेशनलाइजेशन। आप जो कर सकते हो वो करिए। मातृभाषा में पढ़ाने के लिए किससे पूछना है? क्या चैलेंज है? चैलेंज हम जो मस्तिष्क में जो परिवर्तन के प्रति जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है उसको हमें रोकना है। हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले, हमें इस परिवर्तन की राह पर चलना है जो देश के लिए श्रेष्ठ है, हम सबके लिए श्रेष्ठ है, शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ है, हमारे लर्नर्स के लिए श्रेष्ठ है। ऐसी शिक्षा विधि को आगे बढ़ाना है। इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग को मिलजुल करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और कहीं पर भी कोई दिक्कत इस लगातार UGC दिशा निर्देश दे रही है, AICT समझा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मस्तिष्क के जो भी अवरोध है उनको खत्म करें, समाप्त करें। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑन ऑल आवर क्वेरीज। प्रोफेसर पांडा। थैंक यू प्रोफेसर परहार मैडम। थैंक यू प्रोफेसर परहार मैडम।